नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं अंडे का ऐसा नाश्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये कच्चे हमने 4 अंडे लिए हैं, 2 प्याज, 3 टमाटर, पुदीना पत्ती, हरी मिर्च 2, हरा धनिया। अब सूखे मसाले देखते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच जीरा। अब सबसे पहले हम प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना पत्ती और हरा धनिया काट लेंगे। प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। प्याज हमने काट लिया है, अब टमाटर को भी काट लेते हैं। चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। सबसे पहले हमने गैस ऑन कर दी है, गैस पर रखी कढ़ाई। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा, अच्छे से पकने देते हैं इसे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, अच्छे से इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे हम प्याज के साथ तब तक भूनेंगे, पकाएंगे जब तक ये प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, एक से 2 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं, वैसे चला देते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे इन मसालों को। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगता। ये मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना पत्ती जो हमने काट के रखी थी, और थोड़ी सी धनिया पत्ती हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है। फ्लेम पे हम 1 मिनट तक पकाएंगे, ढक के पकाएंगे इसे हम। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। अब तेल गर्म चला देते हैं इस तरह से। अब हम अंडा लेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे अंडे को हम कटोरी में, और थोड़ी सी जगह इस तरह से बना देंगे और इसमें इस तरह से इसको डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक बार ढक्कन हटा के थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे अंडों के ऊपर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है हमें नमक।
आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए हमारा अंडे का नाश्ता बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से। ये देखिए अंडे का नाश्ता हमारा बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।